आज यानी शनिवार को नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने प्रेस वार्ता में एक बड़ा ऐलान किया। हर्षदेव सिंह ने प्रोफेसर भीम सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी नेताओं ने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। प्रोफेसर भीम सिंह को पैटर्न पद से हटाते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि अब इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का चेयरमैन होने के नाते वे उन्हें पद व जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं। बता दें कि ये बड़ा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व संगठन के अन्य नेताओं से मिलने उनके निवास पर गए थे। इसी के बाद हर्षदेव सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रोफेसर भीम सिंह को निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने गए हैं वे उनका निजी निर्णय था, पार्टी से इनकी इस बैठक का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह अब बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें अक्सर ये पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन्हें पैटर्न पद से हटा दिया जाए। हर्षदेव सिंह ने कहा कि पार्टी ने प्रोफेसर भीम सिंह को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, अब उनके पास पार्टी के लिए कोई भी निर्णय लेने का हक नहीं है। पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है, पैंथर्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो आज मीटिंग में गए हैं वो अपने बेसिस के ऊपर गए हैं, एज एन इंडिविजुअल गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और अक्सर उनको ये पता नहीं लगता है कि वो उनके एक्शंस और उनके स्टेटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर उनका शायद काबू भी नहीं रहा है। इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनको पैटर्न के पद से रिमूव किया जाता है आज से। और पैंथर्स पार्टी जम्मू की लड़ाई लड़ेगी, जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए लड़ेगी और प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास पार्टी के लिए फैसला लेने का आज से कोई अधिकार नहीं है। उनको अपने तमाम पार्टी के पदों से जो है वो निष्कासित किया जाता है और बतौर चेयरमैन मैं ये यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि अब पार्टी के जो बाकी टीम है हमारी, जिसमें बलवंत जी हैं, जिसमें यशपाल कुंडल जी हैं और बाकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो आगे का फैसला लेगी। और इस किस्म के जो फैसले लिए जा रहे हैं 370 के, 35 ए के और जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज़ तैयार नहीं है। पैंथर्स पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट सेक्युलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जम्मू के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बिला लिहाज जात और मजहब के हमने सब लोगों को साथ लेकर चलना है। जम्मू प्रांत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है जो सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वालों के लिए या उनके साथ सिंपथाइज करने वालों के लिए पैंथर्स पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम लोग यहां के हिंदुओं को, यहां के मुसलमानों को, यहां के सिख, यहां के ईसाई भाइयों को, तमाम जात और समुदाय के भाइयों को यह कहना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जो है आप पैंथर्स पार्टी लड़ेगी, पाए तकमील तक ले जाएगी। जितना भेदभाव जम्मू के आवाम के साथ आज तक होता रहा है, जितनी जाति जम्मू के साथ आज तक होती रही है, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कटघरे में पैंथर्स पार्टी खड़ा करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है। और न्याय अगर चाहिए जम्मू के आवाम को तो पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है। यहां जम्मू के मुसलमान भाइयों को भी इंसाफ नहीं मिला, आज क्या जवाब है महबूबा मुफ्ती के पास, फारूक अब्दुल्ला के पास, दूसरे जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं उनके पास, कि जम्मू का मुसलमान भाई भी जो है वो शिकार हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का। आप देख लीजिए, चाहे वो उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में हमारे मुसलमान भाई जो रहते हैं, डोडा रामबन में रहते हैं, रजौरी पुंछ में रहते हैं या दूसरे इलाका जात में रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ आपने क्या किया, उनको आपने कितना अधिकार दिया है आज तक। यहां के हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ इतना जुल्म ज्यादती होती रही और यह खामोश रहे, कहां था उस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन। जम्मू प्रांत के लिए लड़ने वाली मात्र एक पार्टी है और इस पार्टी के लिए आप नई तंजीम जो है वो बनने जा रही है, नए ऑफिस बेरर जो है वो बनेंगे और जम्मू को न्याय दिलाने के लिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं जम्मू के तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी की इस टीम को जो है वो समर्थन दीजिए ताकि आपकी लड़ाई को, इस जद्दोजहद को हम पाए तकमील तक पहुंचा सके और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ
या उनके सिंपथाइजर्स के साथ पैंथर्स पार्टी का कोई नाता नहीं है और इस किस्म की गतिविधियों को पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है, कंडेम करती है। देखिए, मैंने जैसे मैंने कहा, अब थोड़ी सी कंसेशन आपको उम्र की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र के लिहाज से भी भीम सिंह जी, अब उनको पता नहीं लगता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और इसीलिए हमने जो है उनको पार्टी के तमाम पदों से जो है वो आज़ाद कर दिया है। अब पैंथर्स पार्टी में कोई ऑफिस भीम सिंह जी नहीं होल्ड करेंगे आज के बाद। आज के बाद जो है कोई फैसला वो नहीं लेंगे, पार्टी के लोग जो हैं, जो सीनियर लीडरशिप है बाकी, वो बैठ के डिसाइड करेगी आगे की रणनीति क्या है और आगे क्या करना है। जो उन्होंने ये किया है उसके बारे में भी आगे की रणनीति जो है वो पार्टी एक सवाल रहेगा। बहुत अच्छी बात है, स्टेट हुड तो चाहिए, स्टेट हुड तो सबको चाहिए। स्टेट हुड जो है हमारी छीन ली गई है और ये बहाल होनी चाहिए, ये तो सब लोग कह रहे हैं आज की तारीख में। इसके ऊपर तो कोई मेरे मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, उनको सबको हमने उन पदों से निष्कासित कर दिया, जो वहां गए थे, अब वो किसी भी पैंथर्स पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये घर, मैं चेयरमैन हूँ। अब देखिए, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर, बीजेपी ने तो महबूबा मुफ्ती को तो अपना सिर पे चढ़ा दिया था, उसका आप क्या कहेंगे? अगर कोई जाता है, अगर कोई गलत करता है, तो बतौर एक पार्टी के हेड होने के नाते मुझे एक्शन लेना है और मैंने जो एक्शन ठीक समझा है वो मैं ले रहा हूँ। उनको पहले हमने बताया था कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, पार्टी की तरफ से मैंने भी कहा था, यशपाल कुंडल जी ने भी, बलवंत सिंह जी ने भी कहा था कि वहाँ हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो जाते हैं फिर तो कोई ना कोई एक्शन जो है उनके खिलाफ बनता है, तो पार्टी जो है एक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने कहा था कि गुपकार डिक्लेरेशन का आज के लिए अनाउंस हुआ है, आज वो मीटिंग करने जा रहे हैं और जो उनका एजेंडा है वो यहाँ जम्मू के लोग जो हैं उससे सहमत नहीं है। पार्टी का एक फैसला था, उस पार्टी के फैसले को जो है उन्होंने नकारा है, इसलिए हमें मजबूरी में ये फैसला, क्योंकि दिन जाने की कोई तुक नहीं बनती थी जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि 7 तारीख को गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर बात होगी। मुलाकात तो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आज के दिन ही जाना और फिर एक पैगाम जो है वो सारी जनता को ये देना कि हमने बात की है 370 के ऊपर, 35A के ऊपर या दूसरे जो इश्यूज हैं जो यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है, जिनको यहाँ के लोग एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार नहीं हैं और जो हमारी पार्टी लाइन में नहीं है, तो फिर कोई ना कोई जो है कार्रवाई जो है